हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन राइज और अब हम करते हैं हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट इसमें हम करेंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज तो आइए बिना देरी केस जल्दी से करते हैं शुरू पहला क्वेश्चन है आपके सामने ब्राह्मी और खरोस्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था ऑप्शन एक है जॉन मार्सल ऑप्शन बी है कनिंगम ऑप्शन थ्री है जॉर्ज प्रिंसेप और ऑप्शन चार है वेलर तो जिस जिस प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और मेरे द्वारा बताए गए से अपना मिलान करते जाइए तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन थ्री जॉर्ज प्रिंसेप जो है इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरुश लिपियों को पढ़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है ऑप्शन एक है संस्कृत ऑप्शन दो है पाली ऑप्शन तीन है हिंदी और ऑप्शन चार है प्राकृत तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार प्राकृत भाषा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है फर्स्ट वाला उसे आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ और नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न इंडिका की रचना किसने की थी ऑप्शन है हमारे पास एक चाणक्य ऑप्शन है दो कार्टियस ऑप्शन थ्री है मैगस्थनीज मेगस, और ऑप्शन चार है प्लूटार्क तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन मैगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज शाम को और कल शाम को दो दिन लगातार हमारी रहेगी हिस्ट्री की लाइव क्लास जिसमें आठ बजे हम लाइव एम करेंगे तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आज आठ तारीख को नौ तारीख को और दस तारीख को तीन दिन लगातार हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो लोग हमारे साथ जुड़िएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन है कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे ऑप्शन एक है मौर्य शासक ऑप्शन दो है शुंग शासक ऑप्शन ऑप्शन तीन है सातवान शासक और ऑप्शन चार है कुषाण शासक तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार <laughs> कुसाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे पांचवा प्रश्न अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑप्शन एक है मुखाकृति ऑप्शन दो है पूरा लिपि ऑप्शन तीन है अभिलेख शास्त्र और ऑप्शन चार है शिल्प शास्त्र तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन अभिलेख शास्त्र जो है वो कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं नेक्स्ट छठा प्रश्न निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था ऑप्शन एक है मत्स्य जनपद ऑप्शन दो है गांधार जनपद ऑप्शन तीन है मगध जनपद और ऑप्शन चार है कुरुवंश तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन मगध साम्राज्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था तत्कालीन जो सोलह महाजनपद हुआ करते थे उसमें नेक्स्ट प्रश्न है सातवा शत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं ऑप्शन एक है प्राकृत अभिलेख ऑप्शन दो है पाली अभिलेख ऑप्शन तीन है संस्कृत अभिलेख और ऑप्शन चार है तमिल अभिलेख तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक प्राकृत अभिलेख में अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम जो है वो मिलते हैं दसवा प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है ऑप्शन एक है सोलह ऑप्शन बी है अठारह ऑप्शन तीन है बीस और ऑप्शन चार है बाईस तो पुराणों की संख्या ऑप्शन बी अठारह है नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र ऑप्शन बी है तक्षशिला ऑप्शन सी है श्रवण और ऑप्शन डी है उज्जयिनी तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रवण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना शरीर त्यागा था नेक्स्ट दसवा प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम राज्य कौन था ऑप्शन एक अशोक ऑप्शन बी कुणाल ऑप्शन सी संप्रति और ऑप्शन डी वृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें इसके आगे क्वेश्चन हम लेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास